अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, अफशा की दुनिया में आपका स्वागत है। तो जनाब कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो ठीक हूँ और इंशाल्लाह आप भी खुशहाल होंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है मेरा रूटीन स्टार्ट हो चुका था और ये सुबह का टाइम है और यहाँ पर देखिए मैंने जो है क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह सब कर अपनी फाइनल कर ली थी और यहाँ पर देखिए मैं अपने जो है बर्तन वॉश कर रही हूँ। और बस देखिए मेरे ब्लॉग में आपको ये देखने में मिलता है बस डस्टिंग क्लीनिंग और बस मॉपिंग ये रहता है। तो देखिए मैं आपसे ना कहती हूँ कि मुझे बताया कीजिए आपको किस तरह की वीडियो देखनी है, किस तरह कैसी वीडियो लेकर आऊँ, किस तरह की वीडियो बनाऊँ आपके लिए। आप मेरी जो है हेल्प नहीं कर रहे हैं, मुझे जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हैं गाइज, आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं। देखिए मैं तो आपको इतना प्यार करती हूँ और आपके लिए ना मतलब मैं यही सोचती हूँ एक भी दिन स्किप ना हो जाए आपको क्या ना मैं अपना वीडियो देने के लिए। तो देखिए जैसी भी बनती है ना मैं आपके लिए लेकर आती हूँ और बस मुझे बताते रहिए। लेकिन मुझे क्या मालूम आपको, देखिए आप जो है बोर तो नहीं हो रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है नहीं मेरी वीडियो, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करें। तो जहाँ पर देखिए मैं रात का डिनर तैयार कर रही हूँ और इसमें डिनर में बना रही थी मैं कढ़ी चावल और हस्बैंड को भी कढ़ी बहुत पसंद है और अली को भी, तो कहने लगे कि कढ़ी बना लो। और तो फिर देखिए यहाँ पर बना रही हूँ मैं कढ़ी और देखिए कढ़ी बनाने में ऐसा लगता है कढ़ी बहुत जो है सिंपल सा खाना है, पर पता है इसको बनाने में ना 2-2.5 घंटे लगते हैं और मैं तो बहुत अच्छे से कढ़ी जो है तैयार करती हूँ और जब तक अच्छे से पक ना जाए तब तक नहीं मतलब मैं उसको चूल्हे से उतारती हूँ। और देखिए यहाँ पर ना मैं ऊपर आ गई थी और ये रात का टाइम है, ये 7 से 8 का टाइम है, तो हस्बैंड कहने लगे चलो जो है बाहर थोड़ा घूम कर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब मैं कहीं जाती हूँ ना तो ये जो जाल है ना हमारा ऊपर का ये मैं ना ढक के जाती हूँ फाइबर से, तो फिर जो है कोई वो नहीं रहता है ख़तरा बिल्ली का आने का ऐसे, तो मैं ढक के जाती हूँ। और देखिए यहाँ पर निकल गए थे हम घूमने के लिए, हस्बैंड लेकर जा रहे थे और जब जाते हैं ना ये बाहर तो उससे पहले ना हमें थोड़ी सी सैर सपाटा करा देते हैं और हमारा मूड फ्रेश कर देते हैं, तो मतलब कि सोचते हैं कि जो है सैड ना हो, इमोशनल ना हो। मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ जब हस्बैंड जाते हैं, तो आपको तो पता ही है ये बात। तो यहाँ पर देखिए रात में जो है इतना अच्छा लग रहा था ना, ये घंटाघर साइड है हमारी जो सहारनपुर में रहते हैं उनको पता है। और ये देखिए जो पैलेस में आपको दिखा रही हूँ ना, इसी पैलेस में मेरी शादी हुई थी। और जो है यहाँ पर देखिए जा रही हूँ मैं घूमने के लिए हस्बैंड के साथ, अच्छा लग रहा था, थोड़ी सी आउटिंग हो जाती है ना तो अच्छा लगता है। और हस्बैंड को निकलना था सुबह सुबह सुबह, तो निकल तो रहे थे वो आज ही, पर जो है अली जो है बहुत रोने लगा पापा कल जाना, तो मेरे हस्बैंड रुक गए थे और बिल्कुल रेडी बैठे हुए थे और फिर भी रुकना पड़ा अपने बेटे के लिए। और मुझे ना मतलब अपनी सिस्टर के घर पर भी जाना था, तो हस्बैंड कहने लगे पहले चलो वहाँ पर चलते हैं घंटा घर पर और फिर जो है आते हुए मेरी सिस्टर के आ जाएंगे। उसका छोटा सा बेटा है टूटू, उसकी ना उसको टाइफाइड हो गया है, तो मुझे उसकी तबीयत पूछने जाना था और फिर आते हुए मैं वहाँ पर भी अपनी सिस्टर के चली गई। तो देखिए यहाँ पर आ गए थे हम स्टैंडर्ड वालों के यहाँ और फिर देखिए यहाँ पर ही मैं अक्सर आती हूँ, मुझे यहाँ पर ना बहुत अच्छा लगता है जो है ना इनकी जो सर्विस है और यहाँ पर जो क्लीनिंग है इतनी है ना क्लियर, बहुत ही मतलब नीट एंड क्लीन रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है और इतना साइलेंस बना रहता है ना बैठ कर के, बहुत ज़्यादा जो है सुकून मिलता है, अच्छा लगता है यहाँ पर आ कर के। मैं ऑलमोस्ट जो है यहीं पर ही आती हूँ, तो पहले भी आपने देखा है मैं यहाँ पर आई थी और जो भी कुछ मतलब खाना पीना होता है ना मैं यहीं से खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है यहाँ का खाना पीना, वेज है वैसे यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर जो है हस्बैंड बैठे हुए थे और मैं, हम बातें कर रहे थे दोनों और जो है अच्छा लगता है हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करना। बट आपने एक बात तो नोटिस की होगी, हमारे साथ अली नहीं है क्योंकि वो ना नानी के चला गया था,
तो नानी ना शादी में जा रही थी उसकी, तो बोलने लगी अली आ जाओ तुम भी चलना हमारे साथ शादी में, तो वहाँ पर चला गया था अपनी नानी के घर पर, इसलिए ना मेरे साथ नहीं है और उसको पता नहीं है हम यहाँ पर आए घूमने के लिए। और जब ये वीडियो देखेगा ना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा और रोएगा वो कि पापा मुझे नहीं लेकर गए, मामा मुझे नहीं लेकर गई। तो बस ये अली के लिए ना सरप्राइज़ होने वाला है, और जब देखेगा ना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा वो, रोएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है मैं गोलगप्पे इंजॉय कर रही हूँ, और इतने टेस्टी मज़े के गोलगप्पे थे ना, तीखे तीखे और इतने अच्छे बने हुए थे ना, बहुत ही मज़ा आ रहा था इनको इंजॉय करते हुए। यहाँ के ना मुझे ये जो गोलगप्पे हैं बहुत पसंद हैं, और मैं अक्सर आती हूँ ना तो मैं ये जो है गोलगप्पे बहुत यहाँ पर आकर के इंजॉय करती हूँ, अच्छा लगता है। और सभी की पसंद होती है पानी पूरी, तो सबको अच्छा लगता है ये खाना, ऑलमोस्ट लेडीज़ का तो ये जो है फेवरेट होते हैं, और बहुत मज़े आते हैं इनको खाते हुए। और बस यहाँ पर हम इंजॉय कर रहे हैं, और हस्बैंड भी खा रहे थे, मैं भी इंजॉय कर रही थी, और इतना अच्छा लग रहा था। यहाँ पे फैमिलीज़ आती हैं और फुल फैमिली बैठी हुई थी, अच्छा लग रहा था। तो बस जो है फिर देखिए हम यहाँ से जाने लगे, और आइसक्रीम वगैरह भी ली थी हमने, वो मैं क्लिप ले नहीं पाई। और फिर देखिए यहाँ से हम निकल चुके थे स्टैंडर्ड वालों के यहाँ से, और यहाँ से सीधे ना मैं अपनी सिस्टर के घर पर जा रही थी। और देखिए फिर हम यहाँ से निकल चुके थे, और मैंने हस्बैंड से बोला कि मार्केट में को जो है ले लीजिए, मुझे मार्केट से कुछ ख़रीदना था। तो देखिए ये नेहरू मार्केट का जो रास्ता है इधर से जाता है, और देखिए यहाँ पर रोड जो है कितने डैमेज हो रहे हैं ना, यहाँ पर ना सहारनपुर में पाइपलाइन का काम चल रहा है, जगह जगह ऐसा ही हो रखा है, और जो है ट्रैवल करने में ना बहुत प्रॉब्लम सी हो रही है। तो देखिए मुझे ना यहाँ पर अपने हस्बैंड के लिए एक टी शर्ट लेनी थी, उनको जो है गिफ्ट करना था, तो फिर मैंने जो है हस्बैंड को बोला कि मुझे मार्केट से लेकर चलो। और यहाँ पर देखिए मैंने ना यहाँ से एक जो है रेडीमेड अपने हस्बैंड के लिए टी शर्ट खरीदी थी, वो मैं क्लिप ले नहीं पाई क्योंकि मतलब कहीं जाती हूँ ना तो मैं फॉरगेट हो जाती हूँ, ये मुझे याद ही नहीं रहता है कि जो है वो बनानी है वीडियो, तो बस वो मिस हो गई इसलिए। तो यहाँ पर देखिए हम जो है सिस्टर के घर से अपने घर पर आ गए थे, और देखिए फिर मैं रात के 10:30 बजे के करीब हम घर पहुँचे, और यहाँ पर देखिए बिग बॉस स्टार्ट हो गया था, आपको तो पता ही है सब लोग इंजॉय कर रहे हैं बिग बॉस को, मेरा फेवरेट शो है बिग बॉस, मैं ज़रूर देखती हूँ इसको। और देखिए यहाँ पर अली जो सो गया था, और आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे बिग बॉस को। तो जनाब कैसी लगी आज की आपको मेरी वीडियो, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे ऐसी अच्छी अच्छी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।